कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सब मेरे जो टीचर्स हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, टीचर से मिठाई खाना बहुत अच्छा। बच्चे तो पिटते हैं, मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचा भी नहीं था, कभी नौबत आई नहीं लड़की को पिटने की। देख सकते हैं कि लड़कियां तो बहुत हैं, लड़के बहुत हैं, बहुत होशियार बच्चे भी हैं, लेकिन ये उनमें अव्वल है। इसका जो जज्बा है, रुतबा है, वो वास्तव में इसका नाम चंचल, वैसे भी चंचल है। मेरे को ये इतने क्वेश्चन पुट अप करती थी और इसकी वजह से मैं खुद तैयार होके आता था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेहनत करने में मजबूर करती थी। हाँ, ये हमें भी मोटिवेट करती थी, पता नहीं बच्ची कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं खुद सेल्फ प्रिपेयर होके आता था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने स्थान पे कम पड़ जाऊँ। लेकिन ठीक है, मैंने तो मैडम को कहा था हमारे पास एक हीरा है मैडम, और वो हीरा चमक के दिखाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। जिस प्रकार लगातार मैंने आपको नांगल सिरोही की बेटी चंचल की वीडियो दिखाई थी, अभी नांगल सिरोही के सरकारी स्कूल में हूँ। लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल की एक टीचर से इंस्पायर होकर बेटी कह रही कि मैं भी सपना मैडम की तरह कि मैथ की टीचर बनूंगी। अभी पूरे नांगल सिरोही में क्या हर जगह बातें चल रही है कि भी चंचल बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़ के परिवार की हालत खस्ता होते हुए है बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। यहाँ बेटी को मिठाई खिलाई जा रही है और स्कूल का पूरा स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है, तो स्टाफ से भी बातचीत करेंगे और सभी से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि सरकारी स्कूल में क्या हो सकता है। देखो, मिठाई खिला टीचर से, बच्चा जब मिठाई खाता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। टीचर तो अक्सर बच्चों को पीटते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ मिठाई खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अब दिखाएंगे कि वो सभी लोग हैं जो समाज का विकास भी चाहते हैं, एक बच्ची के लिए सामने आपके खड़े हैं। अभी बातचीत करते हैं यहाँ के अध्यापकों से। जी मैडम, कैसा लग रहा है अपने विद्यार्थी को मिठाई खिलाना? अत्यंत गौरवशाली महसूस कर रही हूँ मैं। छात्रा अत्यंत होनहार, मेधावी, प्रतिभाशाली है और साथ ही बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति की छात्रा है। अपने सभी जो भी इसके क्लासमेट्स हैं उसको इन्होंने वर्ष भर जो भी इसको जो कुछ ये सीख जाती थी वो सब दूसरे अपनी छात्र छात्राएं जो इसके सहपाठी थे उन सबको भी ये बताती थी। अब क्या पढ़ाते हैं? मैंने इसको साइंस पढ़ाया है, पहले टेंथ में तो नहीं पढ़ाया। साइंस हाँ, बड़ा जरूरी है, अच्छे नंबर इसको आए हैं, कहीं ना कहीं पहले से आपने इसको प्रिपेयर कर रखा था। अब तो श्री विकास कुमार हैं जिन्होंने इसको साइंस पढ़ाया है और सर का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है और बच्ची ने हर विषय में 90 से अबव मार्क्स लिए हैं और टोटल इसके 96% मार्क्स हैं। मैथ्स में इसके 100% मार्क्स हैं और छात्रा जो है मैथ्स की टीचर से अत्यंत प्रभावित, बहुत ज़्यादा प्रभावित है और छात्रा ये समझती है कि मैं भविष्य में जाकर जो है मैं मैथ्स की ही टीचर बनूंगी। कैसा माहौल है स्कूल का आज की अगर बात करें? बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत, बेटी ने एक परचम लहराया है गांव के अंदर, स्कूल के अंदर, सब हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लोगों से सुनने को मिलता है कि भाई बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उनको आप क्या संदेश देंगे? ये लोगों की भ्रांति है, जितना वेल क्वालिफाइड स्टाफ सरकारी स्कूलों में है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलेगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेहनत भी स्टाफ बहुत ज़्यादा करता है और मैं यही चाहती हूँ कि जो गांव के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट कराएं और उसका परिणाम भी देखें। परिणाम जो है सातवें आसमान पे है। हाँ जी, बिल्कुल है सब, मैं ये एक टीम वर्क है सर, अगर बढ़िया टीम ना हो तो ये रिजल्ट स्कूल का नहीं आ सकता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सब मेरे जो टीचर्स हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सबको। टीचर से मिठाई खाना बहुत अच्छा। बच्चे तो पिटते हैं, मैं तो सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचा भी नहीं था, कभी नौबत आई नहीं लड़की को पिटने की। देख सकते हैं सभी अध्यापक जो हैं वो खुश हैं। तो सपना मैडम कौन सी है? यही सपना मैम। जी मैडम, आपकी तारीफ घर पे भी जब हम इससे बात कर रहे थे तो बोला मेरे को सपना मैडम की तरह मैथ का अध्यापक। सर ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि बच्चा मुझे इतने अच्छे से याद कर रहा है। मतलब मेहनत तो हर कोई अध्यापक करता है। कहीं एक माइनस का प्लस हुआ, वही नंबर कट गया, लेकिन कहीं नंबर कटने की नौबत भी नहीं आई। सर ये कुछ
हमारी मेहनत तो है, लेकिन बच्चे का भी दृढ़ निश्चय था कि उसने मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। उसने कभी मिस नहीं किया पीरियड, कभी मिस करने की कोशिश नहीं की। बाई चांस किसी दिन नहीं आई तो उसने आगे पीछे जब भी टाइम लगा उसने उस काम को पूरा करने की 100% कोशिश की। सर खून पीना नहीं, मतलब ये हमें, मतलब पूरे स्कूल परिवार को लगता था कि ये बच्चा हमारा नाम जरूर रोशन करे। बता रहे कि कहीं बाहर भी कहीं किसी प्रोग्राम में जाते थे वहाँ भी प्राइज लेके आते थे स्कूल। सर बिल्कुल, ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये बच्चे केवल पढ़ाई पढ़ाई में ही आगे है, इस ये हर फील्ड में अग्रणी है। सरकारी स्कूल के अध्यापक के सब्जेक्ट में 100 में से 100 आना, सर महसूस कैसा होता है? मैं खुद सरकारी स्कूल की ही छात्रा रही हूँ और जब मैं इस मुकाम पर पहुँच सकती हूँ तो मेरे बच्चे क्यों नहीं पहुँचेंगे। आपने तो एक नई सपना मैडम तैयार कर सर हम चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारी मैडम खड़ी हो जाएं। तो परिवार में भी आप परिवार तक बात पहुँची होगी कि हाँ। इनकी जो छात्रा है उसने 100 नंबर हासिल किए, तो आपके परिवार का क्या कुछ था? सर सभी जगह खुशी का माहौल है, हम तो हर जगह ये करने, हमारे बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए, हमारे बच्चे ने इतने, तो सब जगह सर बड़ी तारीफ सुनने को मिल रही है, सब ये क्रेडिट बच्चे को भी दे रहे हैं और साथ में स्कूल को तो जाता ही सर। मतलब अध्यापक भी खुश हैं और अध्यापक के परिवार वाले भी खुश हैं कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे के 100 में से 100। जी मैडम क्या नाम है आपका? मेरा सुशील मैडम है जी, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ सर। आपने भी इनकी क्वालिटी देखी है? सर क्वालिटी क्या, मैंने तो मैडम को कहा था हमारे पास एक हीरा है मैडम, और वो हीरा चमक के दिखाया है। हाँ जी, और का, परिवार का, आप हाँ सब का, गांव का। सर मैंने तो सब जगह बताया कि हमारे स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है, तो हमें बधाइयां मिली और बच्ची को तो अलग से मिली कि जी आप लोगों ने, और हमें इस दिन का इंतजार था कि हमें कोई ऐसा हीरा मिले जिसको हम तराशें, वो तराश गया आज। बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल को ऐसे मौके मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं कह रहा हूँ। सर जो हमने मेहनत की ना, कहीं उससे ज्यादा बच्ची ने की, और आज हमारे स्कूल का और आपके गांव का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन किया और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जी मैडम क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिकल पढ़ाती हूँ सर। तो फिजिकल, और ये बेटी आप देख रहे हैं हंस रही है सबके सामने, मिठाई खाई है डंडे। सर मैं तो पहले कहती थी कि तेरे पापा ने इतनी मेहनत की है कि बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ, जब से मैं 93 में देखने लगी हूँ, तो उसका नाम रोशन करना है तुझे। तो ये बेटी हमेशा कहती थी कि मैडम मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेहनत करके हासिल करूं। जी सर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में लड़की का स्पेशल इंटरेस्ट होता था क्योंकि ये बच्चों से अलग आकर के 96 है इंग्लिश में, बच्चों से अलग स्पेशल पूछने आती थी, इसको एक एक सेंटेंस के लिए अलग बताया जाता था। परेशान मैं परेशान नहीं करती था, मैं खुशी होती थी कि ऐसे बच्चे हमारे पास आए पूछे। हालांकि सरकारी स्कूल में बच्चे कम ही परेशान करते हैं। हाँ सच बात है सर, 11 बच्चे थे उनमें से सिर्फ ये एक लड़की आती थी हमारे पास, मैडम जी इसको दोबारा समझाओ या इसको हमें लिख के बताओ, इसको इजी करके, लैंग्वेज में इजी करके बताओ, सिर्फ एक हम उम्मीद करते थे भगवान पाँच पाँच चार चार बच्चे तो हमारी हर क्लास में ऐसे भेजो। राजवाला नाम सर, मैं एसएस पढ़ाती थी सर। स्कूल का माहौल अगर बात करें और बच्चों का, और इसका क्या डिफरेंस आपको लगता है? बस सर बच्चे वे भी हैं मेहनती, लेकिन ये इनसे भी ज़्यादा मेहनती थी, इनको बस एक बार बताने के बावजूद भी उसकी मतलब लगी रहती थी लगन और चेष्टा, सबसे अच्छी सबसे अच्छी थी इसकी, कहते बुकले जैसे कुछ करेगी। बिल्कुल सर, हमको शुरू से ही पता चल गया था भाई ये लड़की, भाई हमारा नाम रोशन। 12वीं में क्या लगता कितने नंबर आ जाएंगे? सर मेहनत करेगी ना तो इसी तरह, इससे ज़्यादा से खुश हो अभी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हमारे, हाँ जी हाँ खुश है जी हम बिल्कुल। छोटी बहन को मिठाई खिलाई गई, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर नमस्कार। मैं नमस्कार, मैं विकास कुमार, एलिमेंट्री हेडमास्टर, मैं चंचल को विज्ञान पढ़ाता था, और ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की है। मैं ये कहता हूँ कि लड़कियाँ तो बहुत हैं, लड़के बहुत हैं, बहुत होशियार बच्चे भी हैं, लेकिन ये उनमें अव्वल है। इसका जो जज्बा है, रुतबा है, वो वास्तव में इसका नाम चंचल, वैसे भी चंचल है। मेरे को ये इतने क्वेश्चन पुट अप करती थी और इसकी वजह से मैं खुद तैयार होके आता था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेहनत करने में मजबूर करती थी। हाँ ये हमें भी मोटिवेट करती थी, पता नहीं बच्ची कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं खुद सेल्फ प्रिपेयर होके आता था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने स्थान पे कम पड़ जाऊँ, लेकिन नहीं, मैंने बच्ची को बड़ी मेहनत से पढ़ाया। इसका जज्बा हौसला बहुत ही देखने लायक, और कभी इसने समय का दुरुपयोग नहीं किया। मैं ये देखता था जब भी दूसरे बच्चे बाथरूम के लिए जाते थे, ये क्लास में बैठी पढ़ती रहती थी अकेली,
और इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे था। इसने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, किया तो भी इसका सदुपयोग किया है, सिर्फ पढ़ाई के लिए किया है। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, इसके परिवार को और पूरे मेरे मुखिया जी को और विद्यालय स्टाफ की तरफ से मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इतनी आगे पहुँचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसको शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, नाम बताएं। प्रवीण कुमार। क्या पढ़ाते हैं? अभी तो मैंने इस बच्ची को मैंने छोटी क्लासेस में 6ठी 7वीं 8वीं में देखा है, और जैसा सभी स्टाफ के सदस्य कह रहे हैं कि बच्ची की चेष्टा और उसकी कहीं ना कहीं उसकी ग्रेस्पिंग पावर, जब बच्चा दिया हुआ कार्य समय पर दोहराए और रिजल्ट, या जिसको कहें कि हम जो कुछ करवाया जाए कार्य, उस कार्य का जब भी कुछ उसका एग्जामिनेशन लिया जाए तो बच्चा एकदम रिस्पॉन्सिव बच्चा जो जिस तरह का चाहिए होता है, और चंचल शुरू से ही रिस्पॉन्सिव बच्चों में रही है अपनी कक्षा में, और आज उसका परिणाम सारे सभी के सामने है, और इसकी सारे विद्यालय परिवार को और उनके पिता और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी अच्छा लग रहा है गांव की बेटी का सम्मान स्कूल में। हाँ जी प्रदीप जी, मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं आर्मी कैडेट सुबेदार हूँ, और सर मैं सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को सर सभी को नमन करता हूँ कि यहाँ की जो पढ़ाई है सर वो बहुत स्टैंडर्ड की पढ़ाई है। समाज में एक धारणा बन रखी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाते जी बिल्कुल मेहनत, कड़ी मेहनत कराते हैं। कमी क्या है कि समाज में कि कोई चेक बैक करने आते हैं तो बिल्कुल कम आते हैं। दूसरी बात ये कि सर यहाँ पे है ना, यही बच्चों की जो भी बोलते कि भाई यहाँ पढ़ाई कम होती है, पढ़ाई कम नहीं होती सर, क्योंकि यही जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें VIP लोग आते हैं, यहाँ तो कोई VIP आता नहीं क्योंकि यहाँ तो बजट लिमिटेड होता है, तो वो आओ भगती नहीं कर नहीं पाते। बाद में जो बच्चे यहाँ होशियार हो जाते हैं उसको प्राइवेट स्कूल वाले लालच देकर वो साइड में ले जाते हैं। बाकी सर यहाँ टीचर्स की कोई कमी नहीं है, अपने स्कूल के प्रोफेशनल के मास्टर बिल्कुल एकदम है। मैं यहाँ टाइम एंड के नाते रहता हूँ, और मैं आपके सामने फिर बोलता हूँ, मैं प्रिंसिपल मैडम को बताई है कि उसका रिजल्ट अगर एकदम शानदार रहा तो पूरे स्कूल के पंपलेट में खुद छुपाऊंगा अली भाई, और इनको पूरे गांव में इनको ना गाड़ी के अंदर बैठा के पूरे गांव के अंदर घुमाऊंगा। बात उसमें बच्चे भी बढ़ाने गाँव के। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो मेरा प्राइमरी काम यही मेरा बात उसमें। तो अभी सभी ने खुशियां मनाई है, मिठाई बच्ची को खिलाई है और बड़ा नाम किया है। सभी अध्यापक जो है देख सकते हैं खुश हैं, एक बेटी ने बड़ा नाम करके दिखाया। नांगल सिरोही के विद्यालय में अभी मौजूद हैं और अध्यापक बहुत से हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई हैं चारों तरफ, जिसको पढ़ के भी बच्चा मोटिवेट हो सकता है। मतलब तरीका बहुत है विद्यालय में, लेकिन बच्चे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जो चंचल के अंदर थी। कैसी लगी आपको ये पॉजिटिव खबर? इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो सके, और जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ के टीचर इससे भी ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे रिजल्ट लेके। लगातार बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।